हो माई टू फैमिली, और आप लोग कैसे हो? मैं फिर तो आप लोग ठीक होंगे और कैरी से हूँ अलहमदिल्ला। आप लोग मैं भी ठीक हूँ और कैरी से हूँ। चलिए तो हम चलते हैं घूमने। अवाल पानी आने वाला है। तो मैं कहीं गई हुई थी कल और मैं वहाँ से आ गई हूँ वापस, नाइट में ही वापस आ गई थी। चलिए तो पानी का मौसम हो रहा है, चलते हैं कपड़े उतारने। ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कपड़े डले हैं, कल मैंने वॉश किए हुए थे कपड़े। ये देखो बहुत गर्मी हो रही है, कपड़े उतार के मैंने रख लिए हैं। कुछ गीले हैं, कुछ सूखे हैं, क्योंकि शाम के टाइम डाले हुए थे और क्या कहते हैं धूप नहीं निकली है आज, मौसम पानी ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं उतार के ले जाती हूँ, नीचे डाल दूँगी, सब फ्रेरे हो जाएंगे। और मुझे हो गया कोल्ड, मेरी बैठ गई है आवाज़, पता नहीं आपको सुनाई आ रही होगी या नहीं। चलिए तो मैं चलती हूँ नीचे, कपड़े उतार के ले जाती हूँ, नीचे फैला दूँगी क्योंकि एकदम पानी आएगा, क्योंकि उमस हो रही है इसलिए। चलिए तो चलते हैं नीचे। और मेरे चैनल पर जो भी नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। चलिए तो चलती हूँ नीचे की तरफ, कपड़े लेके नीचे डाल दूँगी कपड़े। चलिए तो कपड़े लेकर आ गई मैं नीचे। मोबाइल हो गया है मेरा डिस्चार्ज, उसको लगाती हूँ चार्ज, फिर बात करूँगी आप लोगों से। मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। चलिए तो फाइनली चल दी हूँ मैं अपने सफ़र की तरफ। और ये देखिए मैं जा रही हूँ हस्बैंड के साथ में, क्योंकि हस्बैंड कहीं काम पर गए हुए थे, वहाँ से आ गए थे, तो फिर मैंने बोला कि चलते हैं, जो लाना है वो लेके आते हैं। वैसे भी मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। चलिए तो मैं पहुँच गई हूँ उसी शोरूम पर पहुँच गई हूँ जहाँ से मैंने LED उठाई थी यानी ख़रीदी थी। चलिए तो उसी शोरूम पर मैं फिर से गई हूँ, आज गई हूँ मैं वॉशिंग मशीन लेने के लिए। चलिए तो काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडल थे, कुछ नए थे कुछ पुराने थे, मैंने सबको चेक किया और उनको देखा, फिर फाइनली उसमें से मैंने एक सिलेक्ट कर ली है, ये ब्लू वाली जो रखी हुई है, ये खोल के दिखा रहे हैं इसको। चलिए तो और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही बेहद ज़्यादा पसंद आई हम लोगों को, और काफ़ी सामान मिलता है इनकी शोरूम में। मैं यहीं पर आती हूँ, ये हमारे ग्वालियर मुरार में है ये शोरूम, और हमारे जान पहचान के भी हैं, तो मैं यहीं से सामान उठाती हूँ जिससे बहुत ही इजीली रहता है। ये तो फाइनली हो गई है हमारी वॉशिंग मशीन, कुछ देर में पहुँचने वाली है घर पे। हम आ गए हैं वहाँ से दुकान से, तो हम घर पहुँचेंगे, उसके बाद में घर पहुँच जाएगी। चलिए तो घर पहुंच के मिलते हैं आप लोगों से मशीन से मशीन मशीन की वीडियो बनाएंगे हम। अच्छा, और क्या करेंगे? देखो इसके ऊपर क्या क्या इसके ऊपर कैप कैप नहीं वो ऊपर हेलो। चलिए तो मिलते हैं घर पहुंच के आप लोगों से वॉशिंग मशीन के साथ में। मैं आप लोगों को शेयर करूंगी मैंने कैसी वॉशिंग मशीन ओके की है, बहुत ही अच्छी है। डन ऐसी करिए ओके। चलिए तो मिलते हैं। चलिए तो वहाँ से फ्री होकर मैं आ गई थी और हो रही थी गर्मी काफ़ी, तो बारिश में काम करने का रस लाने के लिए रुक गए थे, तो हमने भैया से बोल दिया था कि गन्ने का रस दे दो, तो उन्हें बारिश को दे दिया है। चलिए तो अब बनती है मिठाई, तो हम मिठाई के शॉप पे गए हुए थे क्योंकि ये तो हमारे वहीं पर है, तो हमने वहीं से ले ली थी मिठाई, क्योंकि कुछ नया लाते हैं कुछ अच्छा काम करते हैं तो फिर मिठाई तो बनती है, मीठे से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो यहाँ से मैंने मिठाई ले ली थी, हस्बैंड लेकर आ गए हैं मिठाई का डब्बा। चलिए तो चलती हूँ मैं घर और फिर देखते हैं घर पे जाके होता है क्या।
चलिए तो वैसे तो खुशी का हमारी का ठिकाना नहीं है, सबसे ज़्यादा तो बच्चों को है। हालांकि बच्चों को कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, लेकिन खुशी तो खुशी होती है। जिसमें माँ बाप खुश उसमें बच्चे खुश होते हैं, और बच्चे खुश होते हैं उसमें माँ बाप भी खुश होते हैं। चलिए तो अब चलते हैं हम घर की तरफ। घर पहुंच के आप लोगों को दिखाते हैं कैसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सबसे पहले तो मुझे जाना है छत पर कपड़ों के लिए। चलिए गर्मी हो रही है काफ़ी, छत कर दी है क्लीन। ये देखिए झाड़ू वगैरह लग गई है। अब आप लोगों के लिए है सरप्राइज। चलिए तो ये जगह आपको मैं दिखा रही हूँ, अभी तो ये खाली है अल्हम्दुलिल्लाह, अब थोड़ी देर से ये जगह भर जाएगी। चलिए तो फाइनली आ गई है हमारी मसीन, क्योंकि हम तो आ गए थे और फिर देर रात हो गई थी, तो फिर जब आई थी मसीन हमारी, क्योंकि दुकान पे क्या है उनके जो गाड़ियाँ वगैरह रहती हैं वो बिजी थी, इसलिए। चलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गई है हमारी वॉशिंग मशीन, और हस्बैंड उसको अच्छे से रख रहे हैं, और एक भैया भी आए हुए थे उनने उठवा ली थी। चलिए तो कुछ बिल पे करना था गाड़ी वाले का, और उनसे बिल लेना था, तो वही बिल लेकर आए हैं हस्बैंड। ये देखिए, ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो फाइनली आ गई है वॉशिंग मशीन घर पर। जब ओपन लड्डू से स्वागत करो, लड्डू भी रख लिए ला के। जब ओपन होगी तब आप लोग शेयर। अभी मिठाई तो बनती है, मिठाई पहले ही ला के रखी हुई थी। चलिए तो पहले अगरबत्ती लगाते हैं मिठाई पे, फिर मीठे से करते हैं शुरुआत, और उसकी करते हैं उसको ओपन। चलिए देखते हैं कौन ओपन करता है, फिर जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। कैसा लग रहा है? अच्छा। तुम बताओ कैसी लेकर क्यों बैठे हो दोनों? वॉशिंग मशीन कटेगा केक है ना, वो तो केक कटेगा है। वॉशिंग मशीन आ गई है, बच्चे बैठे हैं ओपन करने के लिए कैंची लेके, के हम करेंगे ओपन। इंतज़ार हो रहा है इनके पापा का, वो आ जाएंगे फिर क्या करेंगे अपन। ओपनिंग किसकी? आ गई तुम्हारे पापा, आओ काटो। इधर देखो, इधर देखो बारिश। लो वही ओपनिंग, कट गए पीते दुकान के। तो घुमा लो उसको। हाँ बच्चों की खुशी, और इधर को करो। क्या खाओगे? आरिश की तरफ सरकाओ, और इधर को आरिश की तरफ। बस क्यों बड़ी बड़ी है? ये हटा दे, इसमें निकाल दे सामान। ये रहा एक पास। अब इसको खोल के दिखाओ। क्या लिखा है नाम? आरिश। जेम। जेम इसमें इधर कौन जेम लगा दो। जेम हां रख। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वॉशिंग मशीन आ गई है, और मैंने उसको स्टार्ट भी कर ली है, और फाते वगैरह जो मीठे से शुरुआत करते हैं तो मैंने फाते वगैरह दिलवा दी थी अच्छे से, आप लोगों ने देखा भी था। आरज ने फाते दी थी, लड्डू वगैरह जो बंटवाना थे मुझे बंटवा दिए मैंने सबके घर, और फाइनली वॉशिंग मशीन आ गई, और मैंने कपड़े वगैरह भी वॉश कर लिए, मुझे बहुत सुकून मिला। और हाँ एक बात और, मैं एक कमेंट का रिप्लाई देना चाहती हूँ जो काफ़ी टाइम पहले आया हुआ था, कि मैं हाथ से कपड़े वॉश करती थी, तो जो भी जिसने भी कमेंट किया था मैं उसका नाम तो नहीं लूँगी, क्योंकि
होता है ऐसा कि नाम लेना सही नहीं रहता, तो ना उसने मेरी वीडियो देखी थी। अब मैं भाई हो या बहन हो कोई भी हो कि वॉशिंग मशीन ले लो, यह कमेंट था वो, तो उसका रिप्लाई मैं आज देती हूँ। अल्लाह ने अपनी रहमत हम पे बरसा दी है और फाइनली वॉशिंग मशीन आ गई है। काफ़ी टाइम से इंतज़ार था मुझको, लेकिन मैं सब्र करे हुई थी इसलिए क्योंकि होता है काम देर अवेर हो ही जाती है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो देर से होते हैं लेकिन होते ज़रूर हैं। तो वही हुआ, वॉशिंग मशीन आ गई और बहुत मुझे राहत मिली है, बहुत सुकून मिला है, क्योंकि कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में बहुत ज़्यादा ही हैं, बेशुमार कपड़े तो इतने निकलते हैं, डेली धो डेली उतने ही निकलते हैं, तो मुझे बहुत आराम है वॉशिंग मशीन से और कपड़े वगैरह मेरे बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन रहते हैं। चलिए, तो ये वीडियो कंटिन्यू चल रही थी काफ़ी टाइम से, आप लोगों ने देखा भी है और मैंने सारी सेट करके आप लोगों के साथ में शेयर की है। चलिए, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और जिसने मुझे कमेंट किया था, अगर वो लोग देख रहे हैं भाई है या बहन, तो मुझे कमेंट करके दोबारा बताना कि मैंने वॉशिंग मशीन ले ली है तो अब आपको कैसा लग रहा है। चलिए, तो बहुत जल्द मिलती हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।